गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह क्लास 8 सब्जेक्ट का नाम है आपका ज्योग्राफी। लेसन है हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज, पेज नंबर हम निकालेंगे 53। ठीक है, ये आपका पेज नंबर है। तो हमने कौन सा टॉपिक उठाया था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज मैं इसके आगे आपको समझाऊंगी। ठीक, बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर ईजली अवेलेबल। कहते हैं कि 1800 सदी, ठीक है, उससे पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे थी? वो जहाँ पे रॉ मटेरियल्स उनको ईजिली अवेलेबल मिलता था, यहाँ पे बिजली की सप्लाई या रनिंग वाटर जो था, यानी बहता हुआ पानी, जो जिनको हम नदियाँ कहते हैं, ठीक है, दरिया कहते हैं, वहाँ पे अवेलेबल था, वहीं पे रॉ इंडस्ट्री क्या थी, वहीं पे मौजूद थी। ठीक है, लेटर बाद में क्या हुआ, द आइडल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री, फिर बाद में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री के लिए बाद में लोकेशन क्या सूटेबल रही, वो थी नियर कोल फील्ड्स, कोयले की फील्ड की तरफ, एंड क्लोज टू द कैनाल्स की तरफ एंड रेलवेज की तरफ। आफ्टर 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हार्ड, सॉरी, अब 1950 के बाद क्या हुआ कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ लोकेट हुई, वो कहाँ बनने लगी, जहाँ पे फ्लैट लैंड यानी कि प्लेन जमीन होती थी, जैसा कि समंदर का बंदरगाह, पोर्ट हो गया बंदरगाह, ठीक है, समंदर के किनारे। क्योंकि बिकॉज दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। इसमें कहा गया है कि वो इसलिए बाद में वहाँ पे समंदर के किनारे बनाया गया, इसके लिए लोकेट किया गया, इंडस्ट्री वहीं बनाएगी, क्योंकि जो आयरन ओर था, ठीक है, वो हम दूसरे मुल्कों से भी इम्पोर्ट कर सकते थे, दूसरे जहाँ पे आयरन ओर मिलता था वहाँ से, क्यों, वहाँ नज़दीक रहता था, नहीं तो अगर हम शहर में या किसी जंगल के नज़दीक बनाते थे तो उसका किराया गाड़ी में ले जाने का किराया भी बहुत सारा लगता। तो लेकिन अब जब से बंदरगाह पे बन गया तो सारा सामान वहीं पे ही डंप किया। ये देखो बंदरगाह, दूसरे मुल्कों से जहाज़ आए, उससे इधर उतरा और बिल्कुल फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर चला गया आयरन ओर का चलो। ठीक है, इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। कहते हैं कि इंडिया में क्या है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उन्होंने क्या, किसका फ़ायदा उठाया, रॉ मटेरियल का, सस्ते लेबर का, ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों का और मार्केट का। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग, कहाँ पे स्टील बनता है, कौन कौन सी जगहों पे, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन, इन ए रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट, जैसे कि वेस्ट, ये कौन सी जगहों पे है, वेस्ट बंगाल में है सब, झारखंड में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ये सब छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे हमें स्टील मिलता है, सेंटर्स है। ठीक है, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका और विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में, सेलम इन तमिलनाडु आर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टील के सेंटर्स है, ये सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्स, जो क्या करते हैं, जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दिया है जमशेदपुर। बिफोर 1947 देर वॉज ओनली वन स्टील एंड आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म है टिस्को। ठीक है, तो कहते कि 1947 से पहले हमारे यहाँ एक ही आयरन और स्टील प्लांट था, वो कौन सा था, आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, ये किसका था, ये किसी प्राइवेटली खुद का था, ये प्राइवेट थी ये कंपनी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट। गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग जगहों पे और आयरन और स्टील प्लांट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, पहले सिर्फ एक था। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ऑफ सुबर्नरेखा एंड
कारकाई इन झारखंड. लेटर ऑन सांची वॉज रीनेम एंड जमशेदपुर. जोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री. कहते हैं कि पहले जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था वो 1907 में शुरू हुई थी. वो साक्ची यानी कि सुबर्णरेखा नदी है, एक सुबर्णरेखा नदी है, ठीक है, झारखंड में है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के जमशेदपुर रखा गया, जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या थी, बहुत ही अच्छी जगह थी, कन्वीनियंट, बहुत ही बेहतरीन जगह थी, ठीक है, उस हमारे मुल्क में. ठीक, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू बच्चों.